भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और पहलवानों के बीच लगभग 5 घंटे तक बैठक चली। ये मीटिंग दिल्ली में अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई। इस बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए न्यौता दिया था, जो सकारात्मक रही है। खेल मंत्री ने कहा कि बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो है 15 जून तक पुलिस चार्जशीट दायर करे, रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक संपन्न करवाया जाए, जब तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव नहीं होता तब तक आयोग की कमेटी से 2 लोगों का नाम प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पहलवानों ने कहा है कि वे 15 जून तक कोई प्रदर्शन या आंदोलन नहीं करेंगे। वहीं इस बैठक के बाद बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि हमारी सरकार से कुछ मुद्दों पर बात हुई है। वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि खिलाड़ियों के ऊपर जितने केस हुए हैं वो सब हटाए जाएंगे। हमारी कुछ मांगों को सरकार की ओर से माना गया है, लेकिन अभी और भी मांगे हैं जिस पर हमारा सरकार से मतभेद है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वे बातें भी मान ली जाएंगी।